राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है, सच संवर चुकी है। और इस बदली हुई अयोध्या का श्रेय लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। पांच साल पहले ऐसे लगा था कि अयोध्या गरीब है, हाँ अभी तो एकदम धनी हो गई है अयोध्या। वो स्वर्ग बना दे रहे हैं। अच्छा, एकदम भव्य की बदल गया है। अच्छा। काशी से भी उत्तरी लग रहा है कि अलग। हम लोग भी सुना रामराज आएगा, तो वो रामराज दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगे, अब अयोध्या नंबर एक पर रही। कितना परिवर्तन दिख रहा है आपको? परिवर्तन तो बहुत दिख रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें बनी हैं, सुविधा भी बढ़ गई है, पहले से सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। जय श्री राम। गरुआ भगवा लाल के, मोदी जी कमाल के, भगवान मोदी योगी को हम लोगों की उम्र लग जाए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम जन्मभूमि ले हम लोग का जन्म हुआ है। हम लोग का जिंदगी धन्य हो गया है। पुरानी अयोध्या खत्म हो गई 90 के बाद से। हाँ। नई अयोध्या आ रही है। जय जय श्री राम, हो गया सब काम। मेरे स्वामी मेरे दाता, भक्तों को रखे वाला। तो श्रीधाम अयोध्या के 148 आध्यात्मिक केंद्रों के पुनरुद्धार श्रेणी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का प्राचीन आध्यात्मिक स्थल सूर्यकुंड माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान सूर्य ने स्वयं आकर भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन किए, और जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ तब भी भगवान सूर्य यहाँ पर उनके दर्शन के लिए पधारे थे। सूर्यकुंड से देखिए वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हूं सूर्यकुंड। बहुत ही आध्यात्मिक और प्राचीन स्थली जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, पुनरुद्धार किया गया है, और इस वक्त आप देख रहे हैं ये आध्यात्मिक अयोध्या और आधुनिक अयोध्या का एक अद्भुत संगम जो इस सूर्य कुंड के जरिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसकी कुछ झलकियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्य कुंड पर इस वक्त हम हैं। हमारे साथ हैं सीताराम दास जी जो कि यहाँ पर पूजा अर्चन का जो कार्यभार है संभालते हैं। सूर्य कुंड की महत्ता के बारे में थोड़ा सा बताइए जी। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवता ऋषि मुनि सभी इस अयोध्या धाम में आए थे। वैसे ही सूर्य भगवान यहाँ इस धरा धाम में उतर के उन्होंने राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन किया था। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। जो ये कौतुक हो रहा था इसको देख करके सूर्य भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। उस समय एक महीने तक दिन रहा, एक महीने का दिन था, रात्रि हुआ ही नहीं। दर्शन नगर में जो सूर्यकुंड स्थित है वहाँ के एक निवासी हमारे साथ हैं राधेश्याम तिवारी जी। राधेश्याम जी कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम तो यहाँ 65 वर्ष की उम्र हमारी हो गई, हम कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पर रहते हैं। हाँ, बहुत भाग्य है आपका कि अयोध्या में आप वास कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि अयोध्यावासी तो साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं। और सूर्यकुंड के बारे में थोड़ा सा बताइए जो कार्य हुआ है। सूर्यकुंड का बारे में बहुत कार्य हुआ है। पहले तो ये जर्जर हुआ था, लेकिन अब यहाँ का कार्य बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो गया है। यहाँ कोई कमी नहीं रह गई है। हाँ, यहाँ पर बहुत सब
भगवान की कृपा से सूर्य देवता के सब बहुत अच्छा सुंदर बन गया। क्या ये पूरा परिक्रमा मार्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने कोसी की परिक्रमा है और सूर्य कुंड की महत्ता क्या है जो परिक्रमा करते हैं? जी, ये 14 कोस का परिक्रमा दीपावली के 9 दिन के बाद जो नवमी आती है उसको अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी को 14 कोस का परिक्रमा होता है 42 किलोमीटर की। वो ये सूरज कुंड अंदर में पड़ जाता है। हाँ, सूरज कुंड किनारे किनारे वो जाता है। फिर गुप्तार घाट है, नया घाट है, लक्ष्मण घाट है, झुंझुनिया घाट है, राज घाट है, राम घाट है। इस तरीके से बैतरणी होते हुए 42 किलोमीटर का रेंज बना करके कहीं भी परिक्रमा उठाएं वहीं पर पूरा करें। ये 42 किलोमीटर का परिक्रमा होता है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं आप, तो जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है अयोध्या से करीब 4 किलोमीटर दूर आपको आना होगा और आप इस भव्य आध्यात्मिक केंद्र का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य भगवान के दिव्य मंदिर में दिव्य विग्रह का दर्शन कर सकते हैं और अपने पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। कैमरामैन रमापति शर्मा के साथ अजय मिश्र, सूर्य कुंड अयोध्या। तो अयोध्या में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जहां करोड़ों देशवासियों के अटूट आस्था का केंद्र इन दिनों बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर ने देश भर में व्यापार के बड़े द्वार भी खोले हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट का अनुमान है कि श्री राम मंदिर से पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जहां करोड़ों देशवासियों की अटूट आस्था का केंद्र बना है, वहीं दूसरी ओर इसने देश भर में व्यापार के बड़े द्वार भी खोले हैं, जिससे खासतौर से छोटे निर्माता और छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए व्यापार के अनेक बड़े अवसर मिले हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश के विभिन्न शहरों में घरों से छोटा काम करने वाली महिलाओं एवं वंचितों को भी इससे बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। माना जा रहा है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देश में श्री राम मंदिर से संबंधित वस्तुओं का व्यापार 50,000 करोड़ रुपए के भी पार होगा। श्री राम मंदिर जहां आस्था का बड़ा केंद्र है, वहीं व्यापार के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। निश्चित रूप से जैसा हमने पूर्व में अनुमान किया, राम मंदिर से संबंधित वस्तुओं का व्यापार 50,000 करोड़ को निश्चित रूप से पार करेगा। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ने देश में पूजा पाठ से संबंधित एक बड़े व्यापार के अवसर पैदा किए हैं। पूजा के लिए विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की बड़ी मांग देश भर में दिखाई दे रही है। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्री राम एवं पूजा पाठ से जुड़ी वस्तुओं की मांग देश भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। इस मांग को देखते हुए बहुत से लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय के साथ ऐसी अनेक वस्तुओं का उत्पादन या व्यापार शुरू कर दिया है, जो श्री राम मंदिर के देश भर में होने वाले महोत्सव के लिए उपयोगी हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित सामग्री हो, चाहे वो आरती या उस पर धार्मिक पुस्तकें हो, चाहे वो राम मंदिर का मॉडल हो, चाहे वो श्री राम ध्वजा हो, पटके हो, माला हो, इस प्रकार के अनेक प्रकार के सामान बाजार में दिखाई दे रहे हैं। उपभोक्ता लगातार उनको खरीदने के लिए मार्केटों में आ रहे हैं और ये मसला केवल अयोध्या का नहीं है, ये मंजर पूरे देश में सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार से है। राम मंदिर के प्रति लोगों के जबरदस्त आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्री राम मंदिर के प्रतीक के रूप में मंदिर का मॉडल हर कोई अपने घर में रखना चाहता है और इसी कारण से श्री राम मंदिर के मॉडल की बड़ी मांग है। वहीं दूसरी ओर श्री राम के चित्र, श्री राम मंदिर एवं श्री राम दरबार के चित्र, अन्य देवी देवताओं के चित्र एवं मूर्तियों की बड़ी मांग आ रही है। यह मूर्तियां मिट्टी, पाइनवुड, लकड़ी, पीतल, तांबा एवं अनेक प्रकार के रॉ मटेरियल से बनाई जा रही हैं। श्री राम मंदिर की फोटो के छपे हुए कुर्ते अथवा हाथ की कढ़ाई के कुर्ते, टी शर्ट, कमीज, टोपियां, श्री राम दुपट्टे आदि भी हाथों हाथ बिक रहे हैं। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।